ग्राम हरला के ग्रामीण आवागमन रास्ता बंद होने की शिकायत को लेकर थाना प्रभारी के नाम प्रधान आरक्षक को दिया आवेदन पार्टी। ग्राम हरला के ग्रामीण बुधवार को पार्टी थाने पहुंचकर आवागमन रास्ता बंद होने से आने जाने में हो रही असुविधा को लेकर थाना प्रभारी के नाम प्रधान आरक्षक रूप सिंह यादव को आवेदन सौंपा। ग्राम हरला के बोरफलिया निवासी व वन समिति अध्यक्ष गंगाराम पिता भाटिया ने आवेदन देकर बताया कि ग्राम गुड़ी से बोरफलिया हरला का रोड पिछले 10 साल पहले आधा रोड पंचायत और आधा रोड वन विभाग द्वारा निर्माण किया गया था, लेकिन ग्राम गुड़ी के निवासी सिलाइदिया पिता अन सिंह, जाहिरिया पिता गना वो वहां के पटेल भाईला पिता सुबह द्वारा इस रोड को बार बार बंद कर दिया जाता है, जबकि बोरफलिया के लोगों को इसी रास्ते से आना जाना होता है, लेकिन इस स्थिति में रोड बंद होने से आने जाने में परेशानी हो रही है। साथ ही दूसरा रोड भी नहीं है, जब इस स्थिति में इस रोड से गुजरते है तो उक्त लोगों द्वारा गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी जाती है। यह समस्या ग्राम पंचायत गुड़ी के सरपंच कैलाश फेरांगिया को बताया तो सरपंच ने समस्या से मुंह फेर दिया और कहने लगा कि तुम्हारी समस्या है, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद शिकायत को लेकर आवेदन पत्र थाने में न्याय के लिए दिया है। प्रधान आरक्षक ने आवेदन पत्र पर जांच करने की बात कही। इस दौरान ग्राम पंचायत पंच साहिला पिता भाईला श्रीराम सीताराम लोहरिया मौजूद रहे। अच्छा, मतलब वहाँ पर कोई आना जाना नहीं हो रहा है? आना जाना नहीं हो रहा है, हमारे पास एक ही रास्ता है आने जाने के लिए। अच्छा। सेव द चिल्ड्रन संस्था ने आशाग्राम ट्रस्ट में दिए 5 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर बड़वानी। वैश्विक महामारी कोविड 19 की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की आवश्यकता को गंभीरता को ध्यान में रखकर जीवन रक्षक संसाधनों को